हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेगा क्लासरूम। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फेज सीक्वेंस। इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल फेज सीक्वेंस क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फेज सीक्वेंस क्या होता है, फेज सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस क्या है और फेज सीक्वेंस को कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फेज सीक्वेंस जानने से पहले एक बार हमें सिंगल फेज वेवफॉर्म जानना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने वोल्टेज का वेवफॉर्म दिखाया है जो कि टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। दोस्तों, यह जो वेवफॉर्म है वो 0 डिग्री पर स्टार्ट होता है। 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू जो है वो 0 रहती है। इसके बाद वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जब 90 डिग्री आता है तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम बनता है। इसके बाद वह धीरे धीरे कम होने लगता है और 180 डिग्री आने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसके बाद यह साइकिल जो है वह नेगेटिव में चलना स्टार्ट करती है और 270 डिग्री पर आने पर इसकी वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम हो जाती है। इसके बाद इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगती है और 360 डिग्री आने पर इसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाती है। इसी तरह से हमारी साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। यहाँ पर यह देखना ज़रूरी है कि एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम वैल्यू बनती है। एक बार पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू बनती है और दूसरी बार नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू बनती है। दोस्तों, ये जो हमारा ग्राफ है वह सिंगल फेज के लिए ग्राफ बनाया गया है, लेकिन हमारी जो सिस्टम है वह 3 फेज सप्लाई सिस्टम है जिसके अंदर टोटल 3 फेज रहते हैं, आर, वाई और बी फेज। दोस्तों, इन तीनों फेज के जो वोल्टेज रहते हैं वो एक जैसे रहते हैं, सेम वोल्टेज रहते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी रहती है। इनके अगर ग्राफ हम अलग अलग देखने जाए तो वह ग्राफ कुछ इस जैसे दिखते हैं। देखने में यह ग्राफ तीनों हमें एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनके स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग रहते हैं। दोस्तों, आर फेज का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वह 0 डिग्री पर स्टार्ट होता है, जबकि वाई फेज का स्टार्टिंग पॉइंट 120 डिग्री पर स्टार्ट होता है, जबकि बी फेज का स्टार्टिंग पॉइंट 240 डिग्री पर स्टार्ट होता है। इसका मतलब है कि हर दोनों फेज के बीच में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट रहता है, यानी कि गैप रहती है। अगर हम इन तीनों वेवफॉर्म को एक साथ में देखने जाए तो यह वेवफॉर्म हमें कुछ इस तरह के साथ दिखाई देगा। यहाँ पर हमने उसी वेवफॉर्म को फिर से दिखाया है। यहाँ पर सबसे पहले आर फेज है, इसके बाद वाई फेज और लास्ट में बी फेज। आर फेज का स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, वाई फेज का स्टार्टिंग पॉइंट 120 डिग्री है और बी फेज का स्टार्टिंग पॉइंट 240 डिग्री है। अगर हम इनकी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो सबसे पहले हमें आर फेज की पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इसके बाद वाई फेज की पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इसके बाद बी फेज की मिलेगी। इसी तरह से आगे यह भी कंटिन्यू होता रहेगा। दोस्तों, इतना क्लियर है कि यह ग्राफ कैसे काम करता है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर और मेन क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फेज सीक्वेंस। अगर हमें इसे हिंदी में समझाना है तो हम कहेंगे फेज सीक्वेंस से हमें यह मालूम होता है कि कौन से क्रम में कौन से फेज की पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू आएगी। यहाँ पर सबसे पहले आर फेज मिलता है, इसके बाद वाई फेज मिलता है और इसके बाद बी फेज मिलता है। तो हमारी जो फेज सीक्वेंस हुई वो हो गई हमारी आर वाई बी। अगर हमें इसे डेफिनेशन के रूप में देखना है तो इसकी डेफिनेशन रहेगी, द ऑर्डर इन विच 3 फेज वोल्टेजेस अटेन देयर पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यूज इज डिफाइंड एज अ फेज सीक्वेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिकल फेज सीक्वेंस क्या है वो आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। तो हमारे अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फेज सीक्वेंस क्या होता है। दोस्तों, पहले ये जो हमने यहाँ पर एक इमेज दिखाई है इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर भी हमने आर फेज, वाई फेज और बी फेज दिखाया है। पहले हमने जो दिखाया था वो वेवफॉर्म था, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है। इन सबकी वैल्यू जो है वह एक जैसी है, लेकिन इन सभी के बीच में 120 डिग्री का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेज डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यह जो है वह हमारे सप्लाई सिस्टम, जो हमारी जनरेशन सिस्टम है, उसका फेज सीक्वेंस दिखाया है वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पर हम देखने जाए तो ये हमारा आर फेज, इसके बाद वाई फेज और यहाँ पर बी फेज, यानी कि इसका जो रोटेशन है वह इस तरह से चलता है। तो हमने यहाँ पर डायरेक्शन भी दिखाई है जो कि घड़ी की डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अभी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव फेज सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये जो फेज सीक्वेंस है वो हमारी जनरेशन सिस्टम, या तो हम कह सकते हैं हमारी सप्लाई सिस्टम का है। अब हमारे घर पर या हमारे फैक्ट्री पर जो भी सप्लाई आता है उसकी भी फेज सीक्वेंस अगर हमारी सप्लाई सिस्टम के साथ मैच होती है तो वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। यहाँ पर हमने एक और वेक्टर डायग्राम दिखाया है जो कि हमारे यहाँ सप्लाई जो आती है, इंडस्ट्रियल सप्लाई आप कह सकते हैं, 3 फेज सप्लाई वह है, उसकी भी फेज सीक्वेंस है यहाँ पर आर, वाई और बी। हमें आर, वाई, बी का क्रम देखना है। आर वाई बी का क्रम देखते हम अगर देखते हैं तो इसका भी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जो कि हमारी सप्लाई सिस्टम के साथ मैच करता है।
अगर दोनों की जो रोटेशन है वो सेम रहती है तो उसे कहेंगे हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। नेगेटिव फेज सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं कि यहाँ पर आर फेज, वाई फेज और बी फेज, आर वाई बी, आर वाई बी, इस तरह से चले तो हमारी जो फेज सीक्वेंस है वो नेगेटिव साइड चलती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलती है, घड़ी की उल्टी दिशा में चलती है, जो कि हमारी सप्लाई सिस्टम के साथ मैच नहीं करती है, इसलिए हम इसको कहेंगे नेगेटिव फेज सीक्वेंस। दोस्तों ये नेगेटिव फेज सीक्वेंस कैसे किया गया है तो आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए। यहाँ पर बी फेज है जबकि यहाँ पर वाई फेज है, यहाँ पर वाई फेज है तब यहाँ पर बी फेज है, आर फेज उसी जगह पर है जहाँ पर पहले था। तो किसी भी दो फेज को, कोई भी दो फेज को आप इंटरचेंज कर दो तो वो हमारी नेगेटिव फेज सीक्वेंस हो जाएगी। अगर नेगेटिव फेज सीक्वेंस है तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, और पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है तो नेगेटिव बन जाएगी। किसी भी दो फेज को चेंज करने से उसकी फेज सीक्वेंस जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव या तो नेगेटिव से पॉजिटिव की जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव फेज सीक्वेंस की, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडक्शन मोटर इस्तेमाल की जाती है, कई बार हमें इस इंडक्शन मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में चलाने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ जंक्शन बॉक्स है इसमें हम सप्लाई देते हैं आर वाई बी, थ्री फेस इंडक्शन मोटर की बात की जाती है यहाँ पर। अगर हम आर वाई बी सप्लाई देते हैं तो ये मोटर अगर चलती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या आप कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन अगर हमें इस मोटर को उल्टा घुमाना है रिवर्स डायरेक्शन में तो हम यहाँ पर जो आर वाई बी सप्लाई देते हैं उसकी जगह पर हमें नेगेटिव फेज सीक्वेंस देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वाई और बी को इंटरचेंज कर दिया है, एक दूसरे से बदल दिया है, तो ये नेगेटिव फेज सीक्वेंस हो गया, तब ये मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी। तो ये हो गया इसका पहला इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है हमारे ट्रांसफार्मर और जनरेटर्स। दोस्तों कई बार ज़रूरत पड़ती है कि एक ट्रांसफार्मर से काम नहीं चलता, दूसरा ट्रांसफार्मर उसके पैरेलल में लगाना पड़ता है। इसी तरह से एक जनरेटर से काम नहीं चलता है तब हमें दूसरा जनरेटर इसके साथ पैरेलल कनेक्शन करना पड़ता है। इस वक्त फेज सीक्वेंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पहला ट्रांसफार्मर है जिसकी फेज सीक्वेंस आर वाई बी है, दूसरा ट्रांसफार्मर है इसकी भी फेज सीक्वेंस जो है वो आर वाई बी है, इसी तरह से जनरेटर में भी फेज सीक्वेंस सेम है। हम इन दोनों को एक साथ में आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही इन दोनों मशीन को भी आपस में एक साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और यह सिस्टम इजीली काम करेगा। इसके अलावा भी कई सारे पैरामीटर्स हैं वो हमें ध्यान में रखना है, लेकिन हम यहाँ पर फेज सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर पहले मशीन की फेज सीक्वेंस है आर वाई बी और दूसरे मशीन की फेज सीक्वेंस है आर बी वाई। यहाँ पर आर के साथ आर फेज कनेक्ट किया है, लेकिन वाई के साथ बी फेज यहाँ पर कनेक्ट हुआ है और यहाँ पर बी के साथ वाई फेज कनेक्ट किया है। इस कंडीशन में R और R जो हमने कनेक्ट किया है यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस जो होगा वो ज़ीरो होगा, लेकिन इन दोनों की कंडीशन में यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस है वो ज़ीरो नहीं होगा। इसी वजह से इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस ज़ीरो नहीं हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमारा जो सिस्टम है वो फेल कर जाएगा। इसीलिए अगर हमारा फेज सिस्टम जो है वो सेम सिक्वेंस में रहेगा तो हमारी सिस्टम अच्छे से काम करेगी, अगर डिफरेंट फेज सिक्वेंस में हम कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो दोस्तों हमें ये फेज सीक्वेंस फाइंड करना भी आना चाहिए, तो ये फेज सीक्वेंस कैसे फाइंड करेंगे वह भी देखते हैं। फेज सीक्वेंस फाइंड करने के लिए फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। फेज सीक्वेंस इंडिकेटर है वो दो तरीके से मिलते हैं, पहला है रोटेटिंग टाइप और दूसरा है डिजिटल टाइप। दोस्तों इन दोनों में जो वायर्स रहते हैं वो तीन वायर रहते हैं आर वाई बी। पहले बात करेंगे रोटेटिंग टाइप फेज सीक्वेंस मीटर की। ये जो फेज सीक्वेंस मीटर है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, इसमें एक डायल रहता है जो कि इस तरह से घूमता रहता है। जब भी हम इनके तीन वायर रहेंगे आर वाई बी, उसको हमारी जो भी सप्लाई आता है इसके साथ कनेक्ट करेंगे, अगर कनेक्ट करने पर यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है इस तरह से, तो वो हमारी फेज सीक्वेंस रहेगी आर वाई बी, यानी कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस रहेगी, और यह जो डायल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अगर ये उल्टा घूमता है तो वो हमारी नेगेटिव से फेज सीक्वेंस हो जाएगी और हमारा जो डायल है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। अगर हम डिजिटल मीटर इस्तेमाल करते हैं तो डिजिटल मीटर में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आर दिखाई दे रहा है। अगर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस यानी कि आर वाई बी फेज सीक्वेंस रहेगी तो हमें इस तरीके का इंडिकेशन मिलेगा, अगर नेगेटिव फेज सीक्वेंस रहेगी तो हमें इस तरीके का एल लिखा हुआ इंडिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको फेज सीक्वेंस के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।